चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज अमेठी के दौरे पर रहने वाले हैं। तो अमेठी के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तो कई कार्यक्रम है आज भूपेंद्र सिंह चौधरी के अमेठी में। अमेठी के दौरे पर वो रहने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, और कई कार्यक्रम आज उनके हैं जिनमें वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज अमेठी के दौरे पर रहने वाले हैं, कितने बजे वो अमेठी पहुंचेंगे और इसके बाद क्या कुछ उनके कार्यक्रम है जिनमें वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे? पूनम जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी दोपहर 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। जिस तरीके से देखा जाए कि चुनाव 2024 का लगातार सामने है, उस पर जितिन प्रसाद साथ में रहेंगे। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भी, भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य मंत्री रविकांत जस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्य मंत्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल, और जैसा कि संगठनात्मक बैठक भी होनी है, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। संगठनात्मक बैठक की बात की जाए तो कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा, कितनी अहम यह बैठक और क्या क्या मुद्दे इस बैठक में उठाए जा सकते हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्य मंत्री शामिल होंगे। राघव राम सेवा संस्थान द्वारा 1.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के देवी पाटन का लोकार्पण भी किया जाएगा। हेल्थ एटीएम का लोकार्पण भी होगा। आसपास लाभार्थियों को संबल वितरण किया जाएगा। सेवा संस्थान द्वारा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी जिस प्रकार से इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी, अगर हम बात करें और भी अन्य मुद्दों की, क्या कुछ अहम मुद्दे जिनको लेकर और इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि आगामी समय में जो है विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं रणनीति अभी से बनाई जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर भी। जिस तरीके से नगर निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, उसको देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है, जो वो 2024 का भी इसी से फाइनल मैच के तरीके से देखा जा रहा है, इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं और दौरे भी कर रहे हैं। जी जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अविनाश। तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, कह सकते हैं कि दो बैठक है, संगठनात्मक बैठक है शाम 4 बजे, इसके बाद शाम 5 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। तो अमेठी के दौरे पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी होने, नगरीय निकाय चुनाव भी होने, तो इसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये दौरा।